हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न लेसन फर्स्ट अनदर चांस ऑफ क्लास एट्थ। तो आज हम क्लास एट्थ का फर्स्ट लेसन अनदर चांस पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है अनदर का मतलब होता है एक और, चांस का मतलब है अवसर, तो एक और दूसरा अवसर। फर्स्ट वी विल लर्न दीज टू क्वेश्चंस व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, हमें अपनी फेलियर मतलब असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पोयम में मिल जाएंगे। ये पोयम फोर स्टेंजा की है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है और बहुत ईजी भी है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार, वी मतलब हम, विश यानी कामना करते हैं, फॉर अनदर चांस का मतलब एक और चांस, एक और मौके की, एक और अवसर की हम कितनी बार कामना करते हैं टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। एक फ्रेश मतलब ताजी शुरुआत के लिए, बिगनिंग मीन शुरुआत, एक ताजी शुरुआत के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इन टू विनिंग, ऐसा अवसर, एक अवसर जो ब्लॉट आउट मतलब होता है मिटा दे, मिटाना, जो हमारी गलतियों को, अवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को मिटा दे, ऐसा अवसर जो हमारी गलतियों को मिटा दे। अ चांस फेलियर एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हमारी असफलता को सफलता में चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे मतलब ये नया दिन नहीं लेता, मतलब नया दिन से तात्पर्य कल के लिए, यहाँ पे नया दिन से तात्पर्य कल के लिए है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू एक बहुत अच्छी शुरुआत के लिए, इससे नए दिन की आवश्यकता नहीं है, नए दिन मतलब कल की आवश्यकता नहीं है। इट तो किस चीज की आवश्यकता, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आर हार्ट, जो इट सिर्फ इसकी डीप डिज़ायर होनी चाहिए, जो हमारे दिल से, पूरे दिल से की गई हो। डीप डिज़ायर मतलब एक बहुत गहरी इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ एक गहरी इच्छा होनी चाहिए जो हमारे पूरे दिल से की गई हो। टू लिव यानी जीना, कि जीना, लिटिल बेटर है अच्छी तरह से जीने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अच्छी तरह से जीते हम कैसे हैं, कैसे हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। एंड टू बी ऑलवेज forgiving, और हमेशा हमें forgiving मतलब क्षमा करने वाला बनना चाहिए, क्षमा, जिसको हम जल्दी से क्षमा कर सकें, किसी दूसरे को हम क्षमा कर सकें। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उस दुनिया में लिटिल सनशाइन, यानी यहाँ पे लिटिल सनशाइन मीन्स तो होता है, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रकाश, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐड यानी जोड़ना चाहिए, हमें अपनी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं कुछ अच्छे काम करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड यू थ्रो, सो हमें नेवर गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना, तो हमें कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इन डिस्पेयर निराशा में, मायूस होकर हमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए। For there's always a tomorrow and a hope and the hope of starting a new. हमेशा यहाँ पे always यानी हमेशा, tomorrow मतलब कल है, हमारे पास हमेशा एक कल है, and hope of new starting, और हमारे पास एक आशा है जिससे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। हम यहाँ tomorrow से मतलब ये नहीं कि हम आज की जगह कल करेंगे, लेकिन यहाँ tomorrow से मतलब ये है कि जो आज नहीं कर पाए वो कल कर लेंगे, जैसे दिन के बाद रात आता है उसी तरह हम हर कार्य को करने के लिए हमारे पास एक कल है।